हेलो दोस्तों, यदि आप मेजर ब्रिजेश, माइनर ब्रिजेश और कलवर्ट में काम करते हैं, नहीं भी काम करते हैं, यदि आप अभी कॉलेज में हैं या फिर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, ब्रिज में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है, कोई भी ब्रिज तभी तक स्टेबल है जब तक उसके आसपास की सॉइल स्टेबल है। जिस दिन एक ब्रिज के आसपास की सॉइल में थोड़ा सा भी अनस्टेबिलिटी आया, पूरा ब्रिज आपका कॉलेप्स कर रहा होगा। तो ये एक ब्रिज की जो आसपास की सॉइल है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम बहुत सारा काम करते हैं। उसी काम में एक आपका टॉय बॉल आता है। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे कि आपका टॉय बॉल क्या होता है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, टॉय बॉल का क्या काम होता है। अब आप टॉय बॉल करिए तो आपको फील नहीं आएगा। आप कितना भी एप्पल कर लीजिए, आपको फील नहीं आएगा जब तक आप एप्पल देखेंगे नहीं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि टॉय बॉल दिखता कैसा है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे टॉय बॉल कैसे दिखाई देगा, आपको ड्राइंग्स में टॉय बॉल कैसे दिखाई देगा, तो आपको पूरा फील आ रहा होगा। और हम ये भी जानेंगे कि जो आपका टॉय बॉल होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, एज पर मॉर्थ हम उसकी कैसे मेजरमेंट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को परेशान करती है जो कि ब्रिजेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉय बॉल का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, तो उसकी लेंथ निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो जनाब, आज के सेशन में मैं आपको टॉय बॉल का लेंथ निकालना सिखाऊंगा, वो भी ड्राइंग से, कि कैसा निकाला जाता है। दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉय बॉल होता क्या है। तो जनाब, टॉय बॉल आपका एक पीसीसी का स्ट्रक्चर होता है, M15 ग्रेड का पीसीसी होता है, जो कि एक ब्रिज, कलवर्ट और माइनर ब्रिज के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों साइड में आ रहा होता है। बहुत सारे इंजीनियर सोच रहे होते हैं कि जो आपका टॉय बॉल है वो RCC का स्ट्रक्चर होता है। नहीं, M15 की PCC का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको अप स्ट्रीम साइड में भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको डाउन स्ट्रीम साइड में भी देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसको दिखाता हूं कि टॉय बॉल दिखता कैसा है, तो आप इसको फील कर पाएंगे। ये देखिए आप यहां पे कि टॉय बॉल आपको किस तरह का दिखाई देगा। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आपका टॉय बॉल है वो किस तरह का दिखाई देता है। मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूं, तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से आप फील कर पाएंगे। तो ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, टॉय बॉल है। पहले तो आप ये समझिए कि ये हमारा एक कलवर्ट बना हुआ है। इसी तरह से आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस होते हैं, इसी तरह से आपके मेजर ब्रिजेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो आपका वाटर है वो आपका एंटर करेगा। तो ये क्या है, आपकी अपस्ट्रीम साइड है, ये हमारी क्या अपस्ट्रीम साइड है, और दूसरी साइड से वाटर निकल जाएगा वो आपकी डाउनस्ट्रीम साइड होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आप स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टॉय बॉल बोल रहे हैं। ये हमारा क्या है, टॉय बॉल, ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, टॉय बॉल है। तो कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाए, भले ही आप माइनर ब्रिज बनाए, चाहे मेजर ब्रिज बनाए, चाहे आप कलवर्ट बनाए, तो किसी भी स्ट्रक्चर में आपकी कितनी टॉय बॉल होंगी, आपकी 4 टॉय बॉल होंगी। 2 तो आपको अपस्ट्रीम में दिखाई दे रही है, सेम टू सेम आपकी 2 टॉय बॉल किस में होती है, आपकी डाउन स्ट्रीम में होती है। तो किसी भी ब्रिज के प्रोजेक्ट में आपको 4 टॉय बॉल देखने को मिलेंगी, जो कि आपका प्योर M15 ग्रेड का PCC स्ट्रक्चर होता है। अब टॉय बॉल क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, अब आप देखेंगे कि जो आपका अपस्ट्रीम है उससे पानी अंदर एंटर करेगा। ये जो आपकी अपस्ट्रीम है, यहाँ से ये पानी अंदर एंटर करेगा। जब ये अपस्ट्रीम से ये पानी अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, अब ये जो आपकी एम्बैकमेंट की सॉइल है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखेंगे, ये एम्बैकमेंट की सॉइल है, दिख रहा है, ये एम्बैकमेंट की सॉइल है। अगर आप यहाँ पे ये टॉय बॉल प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो जो आपकी ये एम्बैकमेंट की सॉइल है, ये सॉइल भी आपके पानी के साथ फ्लो हो जाएगी। ये सॉइल कैसे टिक सकती है भाई, पानी अपने साथ इस मिट्टी को बहा के ले जाएगा, इसकी स्कोरिंग हो जाएगी, इसका इरोजन हो जाएगा, ये मिट्टी यहाँ पे नहीं टिकेगी। तो जितना भी ये एम्बैकमेंट का सॉइल है सब पानी के साथ बह जाएगा, और जिस दिन ये सॉइल बह गया ना, उस दिन आप मानिए कि आपका स्ट्रक्चर बह जाएगा, और स्ट्रक्चर से ऊपर से आप निकलेंगे तो आप भी बह जाएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है टॉय बॉल। तो टॉय बॉल का काम यहाँ पे क्या है, कि जो एम्बैकमेंट की जो मिट्टी आ रही है उसको होल्ड करके रखना, ठीक है ना। तो ये जो आपकी टॉय बॉल है, हम इसको टॉय बॉल क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका एम्बैकमेंट के किस में आ रहा है, टॉय में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, टॉय बॉल हो गया। आई होप अभी आपको समझ में आएगा कि साइड पे टॉय बॉल दिखता कैसा। अभी मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि जो आपका टॉय बॉल है कैसे दिखेगा, फिर मैं आपकी इसकी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि जो आपको ये टॉय बॉल दिख रहा है सर्कुलर शेप में आड़ा टेढ़ा, तो उसकी लेंथ कैसे निकलती है, क्लियर। तो ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक मल्टी सेल माइनर ब्रिज का प्रोजेक्ट है, 3 सेल का ये माइनर ब्रिज है, करीबन 22.5 मीटर का है। तो ये देखेंगे, इसका ये सेक्शन दे रखा है आपको ऊपर,
ठीक है ना, ये हमें क्या दे रखा है, आपको सेक्शन दे रखा है। तो सेक्शन में तो आपकी टॉय बॉल दिखने से रही, सेक्शन में आप कभी भी टॉय बॉल नहीं देख सकते हैं। जो आपको टॉय बॉल दिखेगी वो आपको हमेशा मेन स्ट्रक्चर के प्लान में ही दिखाई देगी। तो नीचे इसका प्लान दे रखा है, मैं आपको प्लान में लेके चलता हूँ, ये देखेंगे ये आपको क्या दे रखा है, नीचे प्लान दे रखा है, ये हमारा नीचे प्लान दे रखा है। तो इस प्लान में आप टॉय बॉल देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आपको टॉय बॉल दिख रही है। पहले तो आप देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कोई आपका वाटर स्ट्रीम जा रहा है, ये देखेंगे ये हमारा क्या है, एक वाटर स्ट्रीम जा रहा है, इसमें ये इस तरह से आपका वाटर फ्लो होगा, ठीक है ना। ये आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये आपका क्या है, आप स्ट्रीम साइड है, दिख रहा है ये हमारी क्या आप स्ट्रीम साइड है, ये आपकी डाउन स्ट्रीम साइड है। इसके ऊपर हमने ये पूरा आपका एक रोड बनाया हुआ है, ये देखेंगे ये हमारा क्या है, इसके ऊपर ये पूरा आपका रोड बन रहा है, ये देखेंगे ये हमने इस तरह से ये पूरा रोड बनाया, इसके ऊपर से ये आपके पूरे आपके व्हीकल्स इस तरह से ये आपके फ्लो हो रहे होंगे, ये देखेंगे इस तरह से ये आपके व्हीकल्स फ्लो हो जाएंगे, ये देखेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कितनी टॉय बॉल देखने को मिलेंगी, 4 टॉय बॉल देखने को मिलेंगी, ये देखेंगे। तो ये देखेंगे इस तरह से आपको यहाँ पे कितनी टॉय बॉल देखने को मिल रही है, ये देखेंगे ये आपका पहला टॉय बॉल है जो कि आपका आप स्ट्रीम में आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट टॉय बॉल है, ये आपकी सेकेंड टॉय बॉल है, इसी तरह से देखेंगे ये आपको तीसरी टॉय बॉल दे रखी है, ये आपको चौथा टॉय बॉल दे रखा है। थोड़ा सा तसल्ली रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी। तो ये देखेंगे एक स्ट्रक्चर में कितनी टॉय बॉल आ रही है, 4 टॉय बॉल आ रही हैं। इन सब का काम क्या है, ये वाली जो मिट्टी आ रही है इसको रोक के रखना, इसको पकड़ के रखना, बोले भाई तुम बहो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, ये देखेंगे। तो ये हमारा टॉय बॉल है, तो ये आपको किस में दिख रहा है, प्लान में। तो प्लान में आपको टॉय बॉल इस तरह से दिखाई देगा और ये आपकी 4 टॉय बॉल हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेक्शन में कि सेक्शन में चीज़ें कैसे दिखाई देंगी, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी लेंथ निकालना सिखाऊंगा, ये देखेंगे। तो नीचे देखेंगे इसका आपको सेक्शन मिल जाएगा, ये आप देखेंगे यहाँ पर इसका सेक्शन आपको ये दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप अच्छे से देख पाएंगे, ये देखेंगे ये आपको टॉय बॉल का प्रॉपर सेक्शन दे रखा है। तो आपका जो टॉय बॉल है प्योर प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट का M15 का स्ट्रक्चर है, ये देखेंगे आप। तो सबसे पहले नीचे हमारा क्या आ रहा है, ये PCC का बेड आ रहा है, ये देखेंगे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ टॉय बॉल। तो सबसे नीचे देखेंगे आपका क्या आएगा, एक PCC का बेड आएगा, 4 इंची का 100 mm थिकनेस का ये PCC का बेड आएगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर फिर हमारा क्या बनेगा, टॉय बॉल बनेगा। तो ये देखेंगे टॉय बॉल हमारा स्टेप में बन रहा है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है टॉय बॉल का, ठीक है ना, जिसका जो आप देखेंगे थिकनेस कितनी है, 150 mm है, और इसकी जो ब्रिथ कितनी दे रखी है, 500 mm दे रखी है। और इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपका ये टॉय बॉल का सेकेंड स्टेप आएगा, ठीक है, और इसका जो ब्रेथ है वो कितना है, 200 mm है। तो ऊपर से जो आपका टॉय बॉल है वो कितने का दिखाई देगा, ऊपर से टॉय बॉल आपका 200 mm का दिखाई देगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप देखेंगे PCC M15 ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो PCC का बेड बनेगा उसमें भी हम लोग M15 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जो टोटल हाइट है वो आप देख सकते हैं कितना रहेगी, 650 mm रहेगी। तो इस तरह से ये आपका सेक्शन आपको ड्राइंग में दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो कि आज के सेशन का हमारा मिशन था कि मैं आपको लेंथ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, क्लियर। अरे भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे स्ट्रक्चर का मेन प्लान है, यहाँ पे आपको 4 टॉय बॉल दिख रही हैं। तो मैं आपको एक टॉय बॉल को जूम करके दिखाता हूँ और उसकी लेंथ निकाल के दिखाता हूँ, और सभी की सेम होगी वो। तो ये देखेंगे मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी टॉय बॉल है वो आप किस तरह से दिख रही है, ये हमारा टॉय बॉल है, दिख रहा है आपको, ये हमारा टॉय बॉल दे रखा है। अब इस टॉय बॉल की लेंथ कितनी होगी, सबसे बड़ा सरदर्द यही होता है कि जो आप ये टॉय बॉल देख रहे हैं इस टॉय बॉल की यहाँ से लेके और ये यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, क्योंकि एक आपका ये सर्कुलर शेप में, तो टेंशन नहीं लेना, ये आपका सर्कुलर शेप में है। तो जो आपका सर्कल होता है ना उसका क्वार्टर पार्ट होता है, और यहाँ पे आपको ये दे भी रखा है, ये देखेंगे आप, ये देखेंगे आपको ये कितना दे रखा है, आपको ये 6483 दे रखा है, और ये भी कितना दे रखा है आपको, 6483 दे रखा है, ये आपको 6483 mm दे रखा है, और ये आपको 6483 mm दे रखा है। तो जब आप कोई सर्कल बनाते हैं तो ये देखेंगे जैसे आपने इस तरह से ये आपने ये सर्कल बनाया, दिख रहा है ये आपका क्या है, सर्कल है। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा ना। तो ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट है, ये देखेंगे तो ये आपका क्या है, जो आपका ये जो टॉय बॉल होगा वो टॉय बॉल आपकी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का क्वार्टर पोर्शन होगा।
तो आप इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ये आपकी थर्ड पोर्शन हो गई और ये आपका फोर्थ पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये रेडियस तो दे रखा है, रेडियस कितना है आपका 6483 आपको रेडियस दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए जो आपकी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कल की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है, उसका आप डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए तो आपको ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप टॉय बॉल का लेंथ निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। तो टॉय बॉल का लेंथ कितना हो जाएगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो ये तो हो गया हमारा 2, और पाई कितना होता है 3.14, और रेडियस हमारी कितनी दे रखी है 6483। तो ये हमारा क्या निकल आया, सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकल आया 2πr। अब ये तो है पूरी सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, लेकिन ये हमारा क्या होता है, क्वार्टर पार्ट होता है, तो उसको हमने क्या कर दिया है, ये 4 से डिवाइड कर दिया है। ये देखेंगे तो यहाँ से हमने 4 से डिवाइड कर दिया है, ये देखेंगे। तो अब आप इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो आप इसका लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 10,178.31 मिलीमीटर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो लेंथ आएगी वो आपकी 10.178 मीटर आएगी। तो इस तरह से आप ये लेंथ निकाल सकते हैं। तो टॉय बॉल का लेंथ निकालना कोई बहुत बड़ी हवा की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये रिटेनिंग वॉल दे रखा है, तो ये आपका रेडियस है, इसका आप सर्कमफ्रेंस निकालिए और उसका क्या कर लीजिए, क्वार्टर कर लीजिए, मतलब 1/4, ठीक है ना। तो जो टॉय बॉल का लेंथ होगा वो आपका सर्कल का 1/4 होगा। तो इस तरह से हमने टॉय बॉल का लेंथ निकाल लिया। इसी तरह से आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अदरवाइज आप मेजर ब्रिजेस, माइनर ब्रिजेस, कलवर्ट, अंडरपास, फ्लाईओवर के काम को डिटेल में सीखना चाहते हैं, एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक प्रॉपर सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर वे में, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि कब हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन रिइंफोर्स लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हमने मेजर ब्रिजेस, माइनर ब्रिजेस के बहुत सारे सेशंस डिटेल में रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। तो वहाँ पे जाके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रिइंफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।